हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइंटेक विजन हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोगों में से काफ़ी व्यूवर्स जो हैं हमारे 10th के एग्ज़ाम दे रहे थे, 12th का एग्ज़ाम दे रहे थे और एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले हैं, तो काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स दिमाग में चल रहा है कि 10th कर लिए तो हम क्या करें या फिर 12th कर लिए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें टेक्निकल फील्ड में जाना है तो एक्चुअल हमें क्या करना चाहिए, ITI करना चाहिए या फिर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करना चाहिए या फिर BTech करना चाहिए, तो इन सब में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, हमें कौन सा कोर्स चुनना चाहिए, कौन सी डिग्री लेना चाहिए, इस टाइप की तमाम कन्फ्यूजन्स दिमाग में चल रहे होते हैं। तो काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए थे कि हमने 10th पास कर लिया जस्ट अभी, या फिर 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके बाद हमें गाइड कीजिए हम क्या करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं कि 10th या 12th अगर आप पास कर चुके हैं या फिर 10th पास कर चुके हैं तो हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए। जैसे काफ़ी पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो लोग काफ़ी आगे तक अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, जो लोग पढ़ा सकते हैं उनकी तो बात अलग है, वो लोग अपने बच्चे को काफ़ी हाई क्वालिफाई कर सकते हैं, आगे पढ़ाई करा सकते हैं, लेकिन काफ़ी अभिभावक ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को बहुत ही आगे तक लेकर के नहीं जा सकते हैं, उनके सामने एक मजबूरी होती है कि बहुत ही कम एज में बच्चे को जॉब दिलाना है, बच्चे से नौकरी करवाना है, तो एक्चुअली कम ही एज में कम खर्चे में ऐसा क्या करें कि उनका बच्चा जो है या फिर आप एक सही मार्गदर्शन आपको मिल सके, एक सही जॉब मिल सके, तो उसी विषय में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो उसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा कि आपको प्रॉपर तरीके से आज के डेट में, आज के माहौल को ध्यान रखते हुए आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में मास्टर बनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले, जिससे क्या होगा कि हमारी हर नई वीडियो की अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं आगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट टू डू आफ्टर 10th एंड 12th पास। 10th अगर आपने पास कर लिया है तो आपको क्या करना चाहिए, या फिर 12th अगर आपने पास कर लिया है तो क्या करना चाहिए, उसमें से ऑप्शंस अगर आपको मिलते हैं, क्या ITI करना चाहिए या फिर डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक करना चाहिए या फिर BTech यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी करना चाहिए, इन तीनों ऑप्शंस में से आपको क्या करना चाहिए जो आपके बजट के हिसाब से या फिर आपके समय के हिसाब से सही हो। तो दोस्तों, इन्हीं तीनों कोर्स को हम बेस मान करके इस वीडियो के अंदर चल रहे हैं और आगे हम बात करते हैं सबसे पहले डिफरेंसेस बिटवीन ITI, डिप्लोमा एंड BTech में, यानी कि डिफरेंसेस हम जानेंगे कि इन तीनों कोर्सेज के अंदर डिफरेंसेस क्या है और वो डिफरेंसेस हम जानेंगे जो कोर्स ख़त्म होने के बाद जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं जॉब के लिए तो वहाँ पर किस प्रकार के डिफरेंसेस हमारे सामने आते हैं, हम उस लेवल से बात करेंगे। तो एक्चुअली होता क्या है कि जिस वक्त हम कोई भी कोर्स कर रहे होते हैं, जैसे ITI हम कर रहे होते हैं जो सबसे छोटा लेवल का कोर्स है इन तीनों में अगर हम देखें तो, ये सबसे ग्राउंड लेवल का कोर्स है, तो जिस वक्त हम कोर्स कर रहे होते हैं कोई भी, जिस वक्त हम डिग्री ले रहे होते हैं चाहे वो कोई भी हो, तो उस वक्त एक्चुअली हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है या फिर टीचर के माध्यम से चल रहा होता है, बहुत ऊँचे ऊँचे ख्वाब चल रहे होते हैं कि जैसे ही कोर्स ख़त्म होगा हम इंडस्ट्री में जाएंगे तो बहुत बड़ा जॉब मिलने वाली है हमें। लेकिन हम इस वीडियो के अंदर हम बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करेंगे, क्योंकि मैंने भी इंडस्ट्री में 10-15 साल गुजारे हैं जिसके अंदर हमने हज़ारों इंटरव्यू दिए भी हैं, हज़ारों इंटरव्यू लिए भी हैं, क्योंकि मैनेजमेंट लेवल से भी हमने जॉब किया हुआ है, तो इसलिए मैं जो एक्चुअल है, जो प्रैक्टिकल है, जो प्रैक्टिकल होने वाला है, हम उसी को आधार मान करके हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पहले हम डिफरेंसेस वाइज बात करते हैं। तो अगर आप ITI करके इंडस्ट्री में जाते हैं जो है एक वर्कर लेवल का जॉब मिलेगा, यानी कि आप या तो हेल्पर में जाएंगे, ये स्टार्टिंग लेवल है, या तो आप या तो हेल्पर में जाएंगे या फिर एक नॉर्मल टेक्नीशियन में जाएंगे, यानी कि हेल्पर से जब आप ग्रोथ करेंगे तो एक टेक्नीशियन बनेंगे, तो ये जो लेवल है एक वर्कर का लेवल है, इसके अंदर बहुत आगे ग्रोथ नहीं कर सकते, वो भी हम अभी आगे बात करने वाले हैं। तो ये वो लोग करेंगे जिनके पास समय कम है, यानी कि अपने लाइफ में बहुत कम उम्र में ही, यानी 10th के बाद ही कुछ करके ही वो जो है पैसा कमाना चाहते हैं, या फिर अपने बच्चों को जो है काफ़ी आगे तक नहीं पढ़ा सकते, कम पैसे में ही वो जो है कुछ टेक्निकल
क्वालिफिकेशन दे करके वो जो है इंडस्ट्री में भेजना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है ये आईटीआई काफ़ी बेहतर कोर्स है, क्योंकि आईटीआई से अगर इलेक्ट्रिकल वगैरह से अगर आप कर लेते हैं तो इसके अंदर काफ़ी सारी जो है आपको जॉब्स मिल सकती है। इलेक्ट्रिकल से करने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप सिर्फ इलेक्ट्रिकल कंपनी में ही जाएंगे, यानी इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरर कंपनी में ही जाएंगे। इलेक्ट्रिकल एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल से करते हैं, चूंकि इसके अंदर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिकल से आईटीआई करने वाले या फिर डिप्लोमा करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन आईटीआई अगर आप इलेक्ट्रिकल से करते हैं तो आईटीआई वालों के लिए बेहतर इलेक्ट्रिकल इसलिए है कि एक बड़ी कंपनी, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, मान लीजिए वो कपड़े बनाने वाली कंपनी हो, तो वहाँ पर भी एक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होगा, वहाँ पर भी एक टेक्नीशियन की ज़रूरत होगी। चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट की एक बड़ी कंपनी हो जहाँ पर 200, 400, 500 हज़ार वर्कर्स काम करते हैं, या इतने लोग वहाँ पर स्टाफ लेवल पे काम करते हैं, वहाँ पर ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ज़रूर होगा, एक पावर डिपार्टमेंट ज़रूर होगा, जहाँ पर एक टेक्नीशियन की ज़रूरत 100% होती ही होती है। तो यहाँ पर ये फैक्ट है कि ट्रैफिक होने के बावजूद भी जॉब भी बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि हर फील्ड में टेक्नीशियन के लिए जॉब होता है। उसके बाद हम बात करते हैं डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक की। तो जब आप डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक करते हैं तो आप जाते हैं स्टाफ लेवल में। स्टाफ लेवल में यानी कि आपको जो जॉब मिलेगा, आपके अंदर जो क्वालिटी होती है वो होती है प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोलर की, यानी कि आप जो भी प्रोडक्शन उस कंपनी के अंदर हो रहा है आप उसका प्लान भी कर सकते हैं, ये क्वालिटी आपके अंदर आ जाती है, आपके कोर्स के अंदर ये भी क्वालिटी होती है। तो आप जो है उस प्रोडक्शन का प्लान भी कर सकते हैं और आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, और आपको जो पोस्ट मिलती है, एक तो पीपीसी कंट्रोलर यानी कि प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोलर की एक पोस्ट आपको मिल सकती है, या फिर एक जूनियर इंजीनियर की पोस्ट आपको मिल सकती है। इंजीनियर नहीं, एक जूनियर इंजीनियर, यानी कि इंजीनियर से थोड़ा छोटा लेवल, जो जेई के नाम से आप जानते हैं। तो ये जूनियर इंजीनियर जितने भी लोग होते हैं, ये पॉलिटेक्निक करके आते हैं यानी डिप्लोमा करके आते हैं, वो लोग बनते हैं जेई। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोलर की जॉब मिल सकती है या फिर जूनियर इंजीनियर की जॉब मिल सकती है। जो आपका पोस्ट होगा वो आईटीआई से ऊपर लेवल का होगा, एक तरीके से आपको जो है एक अच्छे लेवल का सुपरवाइजर का भी पोस्ट मिल सकता है, जो आपके अंदर आईटीआई होल्डर्स वगैरह सभी लोग आएंगे, आप उन लोगों को कमांड करेंगे और उनसे जो है आप काम लेंगे, उनसे आप काम जब ही लेंगे जब आपका टेक्निकल नॉलेज भी उनसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर डिप्लोमा में आपका टेक्निकल नॉलेज भी ज़्यादा होता है और कुछ प्रोडक्शन प्लानिंग की भी आपको नॉलेज दी जाती है। तो ये तो हो गया डिप्लोमा की। उससे आगे हम बात करते हैं बीटेक की, जिसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये जो आ जाता है मैनेजमेंट लेवल का जॉब आ जाता है। अब यहाँ पर आने के बाद जो है आप एक मैनेजमेंट लेवल का जॉब करते हैं। तो अगर हम टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल डिपार्टमेंट का मैनेजर वही होता है जो आईटीआई या फिर डिप्लोमा वाले से भी ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज रख रहा होता है। तो एक तो टेक्निकल नॉलेज आपके पास इन दोनों से ही ज़्यादा है, प्लस आपके कोर्स के अंदर, आपके सिलेबस के अंदर एक मैनेजमेंट लेवल का भी सिलेबस चलाया हुआ है, यानी कि आपको पूरी कंपनी को मैनेज करने के लिए भी आपके अंदर क्वालिटी है। तो आप एक मैनेजमेंट लेवल का भी जॉब कर सकते हैं, यानी कि एक आपको जो पोस्ट मिलेगी एक जो है मैनेजर लेवल का पोस्ट मिलेगा, यानी मैनेजर आप बनेंगे और आपको इंजीनियर कहा जाएगा, यानी कि आप एक फुल इंजीनियर हैं। तो अब यहाँ पर अगर आपके पास समय कम है और जल्दी आपको जॉब में जाना है तो आईटीआई करें, उससे थोड़ा सा और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, थोड़ा सा और समय देना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा करें यानी पॉलिटेक्निक करें, और उससे भी थोड़ा सा और समय आपके पास ज़्यादा है तो आप जो है बीटेक करें, और अगर आपका फैमिली अफोर्ड कर सकती है तो आप बीटेक करें। तो अब आगे हम बात करते हैं कि टाइम ड्यूरेशन और एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इन सारे कोर्स को करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईटीआई के लिए। तो आईटीआई का जो कोर्स होता है वो 1 या 2 साल का होता है। इसके अंदर कुछ कोर्स हैं ऐसे हैं जो 1 साल के ही होते हैं, कुछ कोर्सेज जो हैं वो 2 साल के होते हैं। मेजर कोर्सेज जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल का है, फीटर का है, मैकेनिकल का है, तो ये सारे के सारे जो होते हैं ये 2 साल का ही होता है, और इसके लिए आपको 10th पास होना चाहिए, यानी 10th पास के बाद जो है आप ये आईटीआई कर सकते हैं, 2 साल का कोर्स होगा। और उसके बाद हम बात करते हैं डिप्लोमा की, जो जनरली 3 साल का कोर्स है,
और ये भी आप जो है 10th पास के बाद ही कर लेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए 12th की ज़रूरत है या फिर आगे की किसी भी डिग्री की ज़रूरत है। 10th आपने किया, आप अपने टाइम के हिसाब से ITI कर सकते हैं बजट के हिसाब से, या फिर डिप्लोमा यानी 3 ईयर का कोर्स आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है डिप्लोमा 2 ईयर का भी हो सकता है अगर आपने ITI किया है तो, यानी 10th के बाद अगर आपने ITI कर लिया है और आपको लगता है कि आप थोड़ा सा उसके अंदर और ज़्यादा एलिजिबिलिटी लाना चाहते हैं, आप उसको थोड़ा सा और आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, थोड़ी सी और बड़ी डिग्री लेना चाहते हैं, तो आप जो है डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। आपको सीधा जो है डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा अगर आपने ITI किया हुआ है तो। उसके बाद BTech के लिए जो है ये 4 साल का कोर्स है, इसके लिए आपको 10+2 होना ज़रूरी होगा, यानी 12th पास होना ज़रूरी होगा। यानी कि अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप डायरेक्ट जो है BTech में एडमिशन ले सकते हैं, और आगे जो है BTech 3 ईयर का भी होगा। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप जाकर के BTech में सेकेंड ईयर में जो है आपका एडमिशन हो जाएगा, तो आपका BTech जो बनेगा वो 3 साल का बनेगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप ITI से यानी कि डाउन से ITI से अगर आप जो है BTech तक पहुँचते हैं तो आपका ITI 2 साल का कोर्स, और ITI करने के बाद आपने डिप्लोमा किया तो वो 2 साल का कोर्स यानी कि 4 साल हुआ, और उसके बाद अगर आपने BTech किया तो 3 साल का यानी 7 साल का ये कोर्स हो जाएगा। BTech तक पहुंचने में आपको 7 साल लग जाएंगे। लेकिन अगर आपने 12th किया हुआ है और डायरेक्ट अगर आप BTech करते हैं तो आपका BTech 4 साल में कंप्लीट हो जाएगा, यानी BTech के अंदर जो है ITI वाली क्वालिटी, डिप्लोमा वाली क्वालिटी, ये सारे के सारे सिलेबस उसके अंदर आ जाते हैं और एक्स्ट्रा प्लस काफ़ी कुछ हो जाता है। तो ये जो है टाइम के हिसाब से जो है और आप अपने समय के हिसाब से आप इन कोर्सेज में से कोई सा भी चुन सकते हैं, ITI, डिप्लोमा या फिर BTech। अगर ITI में आपको नहीं समझ में आ रहा है कि समय के अकॉर्डिंग आपको कौन सा ट्रेड चुनना चाहिए, तो ITI के बेस्ट ट्रेड पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, हमारे चैनल पर है, जो आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप उस वीडियो को देख लें। उस वीडियो को देखने के बाद आपको एक्चुअल पता लग जाएगा कि ITI में आपको कौन सा ट्रेड चुनना चाहिए। अगर डिप्लोमा में यानी पॉलिटेक्निक के लिए अगर आपको ट्रेड समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन से ट्रेड में जाएं, तो हमारी अगली वीडियो इसी के लिए होगी कि डिप्लोमा के लिए आपका बेस्ट ट्रेड कौन कौन सा है और कौन सा ट्रेड आप चुने समय के हिसाब से और सही फ्यूचर के हिसाब से आपको कौन सा ट्रेड चुनना चाहिए। उसी प्रकार BTech के लिए भी हम बात करेंगे। तो अगर ट्रेड समझ में नहीं आ रहा है यानी कि ब्रांच समझ में नहीं आ रहा है, तो आप डिप्लोमा के लिए हमारी अगली वीडियो जरूर देखें। उसके अंदर हम बात जरूर करेंगे कि सही ट्रेड डिप्लोमा के लिए कौन सा होगा। तो दोस्तों, अगर आप इन तीनों कोर्सेज में से किसी भी कोर्स को करना चाहते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, और इन सभी यानी कि ITI, डिप्लोमा और BTech, इन सभी का जो एडमिशन प्रोसेस होता है लगभग एक ही होता है। यानी कि जिस वक्त आपका 10th यानी 12th का एग्जाम चल रहा होता है उसी वक्त इसके फॉर्म भरे जा रहे होते हैं। तो फॉर्म भरना होता है, और फॉर्म भरने के बाद इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो 10th या 12th एग्जाम समाप्त होने के बाद ही ये सारे प्रोसेस चलते हैं, उसी हिसाब से इसके डेट्स वगैरह रखे जाते हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम दे चुके हैं या फॉर्म फिल कर चुके हैं, अगर डेट है तो आप भर सकते हैं ये फॉर्म, और ये इंट्रेंस एग्जाम आप दे सकते हैं। और इंट्रेंस एग्जाम देने के बाद काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के बाद जो है एडमिशन इसका चालू होता है, जो है वो ग्रेड के अकॉर्डिंग जो है एडमिशन शुरू होता है। जो यानी कि एग्जाम जो आपने दिया, इंट्रेंस एग्जाम जो दिया, उसके अंदर जो परसेंटेज आएगा उसके अकॉर्डिंग जो है ऊपर से ग्रेड बना करके ये एडमिशन चालू होता है। तो इस तरीके से जो है आप इजिली एडमिशन ले सकते हैं अपने बजट के हिसाब से और अपने टाइम एंड ड्यूरेशन के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए इन तीनों कोर्सेज में से आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा, आपका कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं उसका जवाब दूंगा। और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट में बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शेयर करना दोस्तों ना भूलें, वीडियो के नीचे शेयर का भी एक बटन होता है। शेयर करने से चूंकि हमारा एक उद्देश्य है
कि जितने भी हिंदुस्तान के बच्चे हैं उनके अंदर जो इस टाइप के जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं, प्लस कंप्यूटर एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज के समाज के हिसाब से, आज के समाज में अगर आपको रहना है, सर उठा करके जीना है, तो कंप्यूटर का नॉलेज होना, टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारा उद्देश्य है कि आप टेक्निकल हैं या नॉन टेक्निकल, लेकिन कंप्यूटर के बारे में जानें, टेक्नोलॉजी के बारे में जानें। बिल्कुल घर बैठे बैठे जरूरी नहीं है कि आप कोर्स को करें ही तभी आपको टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज होगा। अगर आप हमारी वीडियोस प्रॉपर देखते हैं तो मैं उसी लेवल से वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं ताकि जो नॉन टेक्निकल भाई हैं हमारे वो भी प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर के बारे में जान सकें और टेक्नोलॉजी के बारे में जान सकें। और किसी भी प्रकार की सॉफ्टवेयर की वीडियो देखनी है वो भी हमारे चैनल पर मिलेगी, किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी की वीडियो देखनी है वो भी हमारे चैनल पर मिलेगा, और एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन्स है वो भी कमेंट्स आते हैं तो मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ। तो ये सारे वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियोस को शेयर करते रहें और इसी तरह सपोर्ट करते रहें ताकि हम सभी मिलकर के इस इंडिया को बिल्कुल डिजिटली लिटरेट कर सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।